चरणों से हम जुड़ जाएं। तो तीन प्रकार के तापों से हमारे भगवान मुक्त करते हैं जो भक्त उनके चरणों से जुड़ता है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की बड़ी सुंदर कथा है, क्योंकि ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए आए थे सुनाने के लिए। बड़ा स्नेह था राजा परीक्षित में, बड़ा प्रेम था। राजा परीक्षित अकेले कथा सुनते थे और हमारे सुखदेव जी महाराज कथा को सुनाते थे। इसीलिए आज ही देखो हम परीक्षित यजमान बनाया जाता है कि भैया दुनिया भाग जाए लेकिन तुम बैठे रहोगे, भक्त और भगवान कहीं जाने वाले है ही नहीं। दुनिया चला जाए पर परीक्षित जी कहीं नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने इनका हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ के बिठाया है। अरे मेरे प्यारे भक्त, दुनिया जाए तो जिधर जाए पर आप मेरे अपने हो, आप कहीं नहीं जा सकते, वो आपके लिए ही तो हम आए हैं। जब पूरे क्षेत्र के ऊपर भगवान की कृपा होती है तब जाकर के उस भूमि को भगवान चुनते हैं, फिर उस क्षेत्र में भी किसी प्यारे अपने भक्त को चुन लेते हैं, तब जाकर के उनको माध्यम बना के भगवान की कथा प्रभु अपने समस्त भक्तों को श्रवण पान करवाते हैं, तब आप लोग सुन पाते हो। तो आप लोग यहाँ पर विराजमान हो तो अपने आप को साधारण न समझना। दुनिया में सारे सुख तो सुलभ हो सकते हैं लेकिन भगवान की कथा इतनी दुर्लभ है कि कठिन बात है। आसानी से नौटंकी ऑर्केस्ट्रा होता है, भगवान की कथा नहीं होती है। भगवान की कथा कब होती है? भगवान की कथा तब होती है जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हमारे ठाकुर जी की कथा होती है। तो आज हमारे श्री सुखदेव जी का जो जन्म है, कई संतों ने अपने अपने भाव से सुंदर भाव में बतलाया है। श्री सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए चले तो देवताओं ने रोका कि बड़ा प्रेम है राजा परीक्षित पे, अच्छा मृत्यु का डर है राजा परीक्षित को, कहीं मृत्यु ना आ जाए। देवताओं ने कहा एक काम करो, ये श्रीमद् भागवत जी हमको सुनाओ और जाओ राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, कभी मरेंगे ही नहीं। श्री सुखदेव जी ने कहा अच्छा, देवताओं के पास अपने कल्याण के बहुत सारे साधन हैं, वो अपना कल्याण कर सकते हैं, पर पृथ्वी लोक के जीवों के पास कल्याण का कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं श्रीमद् भागवत कथा जाकर के पृथ्वी लोक पर राजा परीक्षित को सुनाऊंगा ताकि सब मुक्त हो जाए, सब पर भगवान की कृपा हो जाए। देवताओं ने कहा अच्छा, इतना ज्यादा इसमें विश्वास, इतना ज्यादा? बोले हाँ, आप कह रहे हो अमृत, कहां कांच रूपी अमृत, कहां हीरा जवाहरात रूपी हमारी श्रीमद् भागवत कथा, कौन बराबरी लगा सकता है। देवताओं ने कहा फिर तो अंदाजा लगाया जाए, लाओ तौला नापा जाए कि क्या मतलब क्या है। बोले अच्छा, ले आओ संसार के सभी सुख एक पलड़े में रखो, दूसरे पलड़े में भागवत जी रख दो। भागवत जी का पलड़ा ही भारी पड़ा, बाकी जितने सुख थे सब फीके पड़ गए। तभी से भक्त अपने कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं। जीवन में मामा बनना आसान है, फूफा बनना आसान है, पिता बनना आसान है, माता बनना आसान है, लेकिन भगवान के भक्त यजमान बनना आसान नहीं है। एक सत्यनारायण भगवान की कथा हम लोग विचार बनाते हैं तो सालों बीत जाते हैं, जल्दी हो नहीं पाता है, इतनी बड़ी कथा, अरे प्रभु की थोड़ी कृपा नहीं होती है।